नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूं। और आइए देखते हैं अभी की ताजा खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों की तरफ। SC ST एक्ट के विरोध में उज्जैन पूरी तरह रहा बंद, बंद के दौरान सख्ती करने वालों पर होगी कार्यवाही। उज्जैन पहुंचे बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना अली कदर मुफद्दल साहिब। उज्जैन में दो घंटे रुकने के बाद सैयदना इंदौर के लिए रवाना होंगे। रायसेन में कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले डॉक्टर को पुलिस के हवाले किया गया। एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में भारत बंद के आह्वान पर सपा सहित कई संगठन ने बंद को लेकर समर्थन दिया है। सुबह खुलने वाली कई दुकानें नहीं खुली और निजी स्कूल भी पूरी तरह बंद नजर आए। वहीं पेट्रोल पंप मालिकों ने 10 से 4 बजे के बीच बंद रखने का निर्णय लिया है। उज्जैन कलेक्टर ने जबरन बंद कराने वालों पर कार्यवाही की बात कही है। आरक्षण के विरोध में सवर्ण समाज, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, क्षत्रिय महासभा, वैश्य महासभा, मुस्लिम समाज सहित सपा समाज संगठन ने गुरुवार को बंद का आह्वान कर दिया है। सुबह खुलने वाली कई दुकानें बंद नजर आई, वहीं कोचिंग संस्थान भी बंद रहे। 80% व्यापारिक प्रतिष्ठान सामान्य वर्ग के होने से शहर पूरा बंद होने की संभावना है। सपाक्स ने अब तक बंद को समर्थन नहीं दिया था, लेकिन एट्रोसिटी एक्ट के अध्यादेश पर केंद्र की प्रतिक्रिया पर वो भी शामिल हो गया है। मेडिकल स्टोर के संचालकों ने भी सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बंद रखने की घोषणा की है। समर्थन कर शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ता सुबह 10 बजे शांति से रैली निकालेंगे। सभी संगठनों के युवाओं से शांति से बंद और रैली में शामिल होने की अपील की गई है। उज्जैन से राहुल यादव की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक में PDS वितरण में फूड इंस्पेक्टर और उचित मूल्य की दुकान के डीलरों के मिलीभगत से सालों से सरकार को करोड़ों रुपए के चूना लगाया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि उचित मूल्य की दुकान में ग्रामीणों को ठगा जा रहा है। उनको केरोसिन दे रहे हैं 1.5 लीटर और सरकार को आंकड़े दे रहे हैं प्रत्येक हितग्राही को 2 लीटर के हिसाब से। सरकारी टैबलेट में एंट्री भी यही हो रही है। जब हमने कुछ डीलर लोगों से इस मुद्दे पर चर्चा की तो उन्होंने पहले तो ऊंची पहुंच की धौंस दिखाई, इसके बाद कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि जो 0.5 लीटर का फर्क होता है उसे फूड इंस्पेक्टर पोर्टे द्वारा सेटलमेंट किया जाता है। जब इसी मामले को लेकर फूड इंस्पेक्टर से बात की तो उनका कहना है कि अनुपातिक आंकड़ों से मिट्टी तेल दिया जाता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 1.5 लीटर देने के बाद टैबलेट में 2 लीटर दर्ज करके तेल के लीटर के हिसाब से आंकड़ों को व्यवस्थित कैसे करते हैं। कुछ हितग्राहियों ने ये भी कहा कि उनको पिछले 2 महीने से शक्कर और मिट्टी तेल नहीं मिला है। राजगढ़ जिले से दिनेश जोहली की रिपोर्ट। चावल और नमक है जी, मिट्टी तेल और शक्कर नहीं आया इस माह का। अच्छा, और अगले माह आया था क्या मिट्टी तेल? मिट्टी तेल पिछले महीना भी आया था। तो कितना कितना वितरण किया होगा? 2 लीटर बोला। अच्छा, यहाँ टर्मिनल कहना है कि 1 लीटर 1.5 लीटर वितरण नहीं, वो कभी कभार जैसे मिट्टी तेल लेट होता है ना, तो उस समय की बात है वो। अच्छा, उस बात तो आपने टेबलेट पर कितना चढ़ाते हैं उसका? नहीं, 2 लीटर। तो बाकी का समर्थन कैसे करते हैं फिर? वो इंस्पेक्टर कौन है? इंस्पेक्टर उनके ऊपर है, उनके संरक्षण चल रहा है, उनके संरक्षण में क्या कर रहे हैं? यहाँ चावल लेने आए हैं सर। क्या है यहाँ उचित मूल्य की दुकान है क्या? हाँ, ये हमारा पंचायत है सर। क्या क्या मिला आपको आज? आज मिला है हम लोगों को चावल और 2 पैकेट नमक। केरोसिन नहीं मिला है सर। शक्कर? शक्कर ने भी, शक्कर भी नहीं मिला है अभी। क्या बोल रहा है डीलर? डीलर अभी नहीं आया है बोल रहा है। अच्छा, नाम क्या डीलर का? डीलर का तो मेरे को मालूम नहीं है। और मिट्टी तेल 2 लीटर का ये चढ़ता है, उसमें 1.5 लीटर हिसाब से नहीं आता है। तो आप प्रत्येक ग्राहक को कितने कितने दे रहे हो? 1.5 लीटर दे रहे हैं। तो आपका टेबलेट में कितना चढ़ा रहे हो? 2 लीटर चढ़ा रहे हैं। तो कैसे समायोजन करोगे आप उसको? वो साहब उसको ये करते हैं। कौन साहब करते हैं? पुरते साहब। क्या आप कौन से पद में हो? फूड इंस्पेक्टर है। कि 2 लीटर चढ़ा देना बोल के बोलते हैं, उतना तेल नहीं आता नहीं है। उज्जैन पहुंचे बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना अली कादर मुफद्दल साहिब। वे अवंतिका ट्रेन से अल सुबह उज्जैन पहुंचे, जिसके बाद कमरी मार्ग स्थित मजारे नजमी पहुंचे। उज्जैन में 2 घंटे रुकने के बाद सैयदना इंदौर के लिए रवाना होंगे। यहाँ 14 सितम्बर को प्रधानमंत्री मोदी भी सैयदना से मिलने आएंगे।
बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना अली कदर मुफदल साहिब गुरुवार सुबह 7 बजे अवंतिका एक्सप्रेस से उज्जैन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर प्रमुख आमिल इसाक भाई व ऊर्जा मंत्री पारस जैन स्टेशन पर सैयदना साहिब की अगवानी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। धर्मगुरु सैयदना साहिब की अगुवाई के लिए पहुंची महापौर अगुवाई नहीं कर पाई। भीड़ अधिक होने के कारण धक्के खाती दिखी उज्जैन के महापौर मीना जोनवाल। स्टेशन से कारों के काफिले के साथ सैयदना साहिब कमरी मार्ग स्थित मजार नजमी पहुंचे। यहां वे अपने पूर्वजों की मजार पर जियारत करेंगे। इसके बाद वे समाजजनों को प्रवचन देंगे। प्रवचन के बाद सैयदना साहिब इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे। उज्जैन से राहुल यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपनी ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं, क्योंकि कार्यक्रम तो इंदौर में है लेकिन उज्जैन के अंदर भी 2 घंटे के लिए पधारे हैं, इसलिए उज्जैन के लोगों को भी उनसे मिलने का मौका मिलेगा, दर्शन करने का मौका मिलेगा। और इंदौर में 10 दिन में उनके कार्यक्रम है। अभी जानकारी मिली है कि देश के प्रधानमंत्री भी उनसे मिलने आएंगे। जी, आज बोहरा समाज के लिए बड़ा हर्ष का विषय है, जो हमारा 9 वर्ष मुहर्रम की शुरुआत हो रही है, जिसका सैयदना साहब प्रवचन 10 दिन का इंदौर से करेंगे। तो उज्जैन को ये सौभाग्य मिला है, हम शहरवासियों को, सभी लोगों को, उज्जैन को, कि वो उज्जैन से यहाँ अवंतिका से उतर के बाई रोड इंदौर जाएंगे। 2 घंटे यहाँ मजार नजमी पर रहेंगे और सभी को आशीर्वाद देंगे, समाजजनों को जाहरत करेंगे। इसमें नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने आएंगे? जी भाई, अभी इसकी पुष्टि हुई नहीं है, हाँ तैयारियाँ चल रही है, मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है। रायसेन के गर्ल्स स्कूल के पास कॉलेज छात्रा का पिछले 5 दिनों से पीछा कर रहे युवक जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो छात्रा ने कॉलेज की शिक्षिका से शिकायत की और फिर डायल 100 पुलिस को बुलाकर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम पेमंत निवासी सतीश गौर, जो पेशे से जानवरों का प्राइवेट डॉक्टर है, पिछले 5 दिन से कई छात्राओं का लगातार पीछा कर रहा था और फिर गंदे इशारों से परेशान करना शुरू कर दिया था। छात्राओं की शिकायत पर थाना कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। हमारे कॉलेज में मामला कुछ इस तरह है कि मैं आज कलेक्ट्रेट गया था करीब 4:15 बजे के आसपास, तो वहाँ से जब लौट रहा था तो लौटने के बाद करीब 5:15 बजे में कॉलेज पहुँचा तो पता चला कि एक व्यक्ति जिसका कि नाम सतीश गौर बताया गया है, वो महाविद्यालय की छात्राओं के घर वापस लौटने के समय अपने कॉलेज के एक से थोड़ी दूर पर अपने नीचे के कपड़े उतार कर पूर्णता नीचे देश से कोर्ट में निकल रही है, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें बढ़ा रहा था और अश्लील इशारे कर रहा था। तो मैंने फिर इस संबंध में पुलिस थाने में शिकायत की है और पुलिस द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है। रायसेन के गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल श्री राजीव कुमार शुक्ला थाने आकर रिपोर्ट किया था कि ग्राम पेमत का सतीश गौर 4-5 दिन से स्कूल के गेट के कुछ दूर पर आ करके उसके नीचे के कपड़े पैंट वगैरह उतार के नग्न हो जाता है और लड़कियों को देख करके पूरी हरकतें करता है, अश्लील हरकतें करता है। आज भी इस प्रकार से हरकतें किया, 4-5 दिन से कर रहा था, आज भी किया, तो इसलिए ये थाने पर आकर के रिपोर्ट किए हैं। उनकी रिपोर्ट पर से उसके सतीश गौर के विरुद्ध थाने पर अपराध क्रमांक 525/18 धारा 354-354B कायम किया जाकर विवेचना। सीहोर में SC/ST एक्ट के विरोध में भारत बंद का असर व्यापक रूप में देखने को मिला। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट मोड पर दिखी, पेट्रोल पंप, स्कूल, बाजार बंद रहे, साथ ही जिले के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने भी स्कूलों की छुट्टी कर दी। जिले में SC/ST एक्ट के विरोध में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सब्जी दूध की भी दुकानें नहीं खुली। सपाक्स के भारत बंद को लेकर ग्रामीण अंचलों में भी बंद का असर दिखाई दिया। सीहोर में कोतवाली चौराहे पर सपाक्स ने नारेबाजी की। सपाक्स में शामिल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने दिखे। संसद में 38 राष्ट्रीय पार्टियां बैठकर एक बिल के विरोध में टेबल टपटपाकर अपना समर्थन देती रही।
और जो अनारक्षित वर्ग के लिए काला कानून संसद में पारित हुआ, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने पारित किया, उस युवराज सरकार को कोई माइकल लाल इसे हटा नहीं सकता। हम उसके विरोध में आज भारत बंद के समर्थन में और बंद कर रहे हैं और निश्चित हमारा युवा वर्ग सफलतापूर्वक रहेगा। हमारे सभी समाज के संगठन के लोग और सभी समाज के संगठन और सभी व्यापारी वर्ग, सामान्य व्यापारी वर्ग ने हमें समर्थन दिया, उसी की अपेक्षा में आज सुबह हफ्ता बंद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा बंधाना पहुंची, जहां बंधाना विधानसभा के बोरगांव बुजुर्ग कुमठी रुस्तमपुरा दुल्हार फाटा पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। यात्रा रात 10 बजे बंधाना पहुंची थी। यहां मुख्यमंत्री ने रथ पर सवार होकर रोड शो किया। वहीं कृषि उपज मंडी में जनसभा को भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया था, उसे भाजपा की सरकार ने संवारा है। इस अवसर पर बंधाना विधायक योगिता नवल सिंह बोरकर ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नंद कुमार सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, बंधाना नगर पंचायत अध्यक्ष परमानंद कुशवाहा सहित अनेक भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद थे। बंधाना से असलम खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया। एक देश सारे प्रदेश।